सीएम हाउस पर ज्ञापन देने शिवपुरी से खेल डिग्री धारी जाएंगे। आपको बता दें कि विदिशा से सीएम हाउस तक मैराथन आयोजित होगी। प्रदेश में पिछले 15 सालों से खेल शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, जबकि हर साल प्रदेश में हजारों युवा शारीरिक शिक्षा की डिग्री उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये सभी युवा भर्ती के आस में है और अपनी इस मांगों को लेकर युवा शारीरिक शिक्षा संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले सीएम हाउस पहुंचकर 23 जुलाई को सामूहिक रूप से ज्ञापन देगा। इस ज्ञापन से पूर्व विदिशा में सामूहिक योग और विदिशा से सीएम हाउस तक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। हम शासकीय स्कूलों में खेल शिक्षक भर्ती के लिए एकत्रित हुए। क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी सरकार से मांगे कि शासकीय स्कूलों में हमारे बहुत सारे पद रिक्त हैं जो लगभग 15 सालों से नहीं भरे गए हैं। इससे हमारे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं और लगातार हो रहे हैं और ओवरएज भी होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा विज्ञापन निकले और खेल शिक्षक की भर्ती आए। तो आपका ये कार्यक्रम होना है, इसकी क्या रूपरेखा है? हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा ये है, यहाँ से हम विदिशा जाएंगे, फिर विदिशा से हमारे विदिशा में हमारा योगा का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी योग से निरोग कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि स्कूलों में भी बच्चों को निरोग करें वो और योग पर ध्यान दें और योग शिक्षक की भर्ती निकालें। और फिर वहाँ से हमारा योग कार्यक्रम के बाद में फिर हमारे मैराथन रहेगा, फिर मैराथन हम सीएम हाउस तक जाएंगे। वहाँ से सीएम हाउस के यहाँ क्या प्रोग्राम है? सीएम मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे। आपकी मांग है, इस ज्ञापन को देने के बाद भी नहीं मांगी जाती, तो आपका संगठन आगे क्या रणनीति बनाएगा? हमारा संगठन ने रणनीति तैयार कर ली है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कार मिश्रा। किस पद पर है आप इस संगठन में? प्रदेश उपाध्यक्ष युवा खेल एवं शारीरिक शिक्षा संघ।